सामना करने से पहले सुम्बुल ने दिया शिव को एक प्यारा सा सरप्राइज। लोगों ने कहा दोस्त हो तो ऐसी हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए रवाना हो चुके हैं शिव ठाकरे, जहाँ वो कैपटाउन पहुंच चुके हैं। आज से शूटिंग करने के लिए भी रेडी है। वेल, लेकिन यहाँ पर शिव है जो रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुम्बुल की तरफ से उन्हें कई सारे सरप्राइजेस मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुम्बुल ने एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक कहा शिव को जाने से पहले, जहां उन्होंने एक प्यारा सा केक भेजा शिव के लिए। और यहां पर सोशल मीडिया पर अब वो केक की पिक्चर काफी वायरल हो रही है और गुड लक शिव लिखा हुआ था। ये देखकर फैंस हैं जो सुम्बुल की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्त तो ऐसी ही होनी चाहिए। जहाँ शिव और सुम्बुल की दोस्ती तो हम सभी को दिखती है, और जब से पता चला कि शिव ठाकरे हैं जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आने वाले हैं, रवाना होने वाले हैं, तब से ही सुम्बुल हैं जो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हुई नजर आ रही हैं, शिव को बेस्ट ऑफ लक बोलती हुई नजर आ रही, कई सारी वीडियोज शेयर कर रही हैं, और वो सिर्फ शिव को जीतते हुए देखना चाहती है। और ये सारी चीजें जो है फैंस को काफी पसंद आ रही है, क्योंकि एक दोस्ती की सीढ़ियों की ये पहचान होती है कि भाई दोस्त की खुशी में ही खुश रहना है, और सुम्बुल वो दिखाती भी है और है भी। तो ऐसे में जो केक भेजा है, केक जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फैंस लगातार सुम्बुल की तारीफ कर रहे हैं, दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सुम्बुल की दोस्ती चाहे फामान से हो, चाहे शिव से हो, चाहे यहाँ पर उल्का गुप्ता हो, प्रविष्ट मिश्रा हो, दोस्ती सुम्बुल निभाती हुई नजर आती है। फिलहाल अब तो शिव कैपटाउन पहुंच गए हैं, शूटिंग भी शुरू ही कर चुके होंगे। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है शिव ठाकरे और सुम्बुल की दोस्ती को लेकर, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कितने एक्साइटेड हैं खतरों का सामना करते हुए देखने के लिए शिव को, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।